तो आज हम धनतेरस के दिन आए हुए हैं चांदनी चौक मार्केट, हमारा अपना वही पुराना चांदनी चौक। तो देख सकते हैं अभी सजावट वगैरह थोड़ी थोड़ी दीपावली की यहाँ पे चालू हो गई है। भीड़ भी उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से हम सोच रहे थे। फुटपाथ पे भगवानों की मूर्तियाँ और सजावट के सामान लगने शुरू हो गए हैं और भीड़ इस हिसाब से नहीं है आज, क्योंकि मुझे भी नहीं पता आज भीड़ क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने सोचा था भीड़ तो बहुत होगी आज, क्योंकि आज धनतेरस है, ऊपर से चांदनी चौक मार्केट, क्योंकि दो दिन बाद सब बंद हो जाएगा दीपावली के लिए, सब घर चले जाएंगे। तो यहाँ पे खाने पीने पे भी भीड़ कम है, पूरे मार्केट में भी भीड़ कम है। पिछली बार जब हम आए थे तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। जैसे छोटे छोटे घर सजावट के सामान और ये पटाखे हंसते खेलते वो बचपन की यादों वाले। देखता हूँ कहीं पटाखे वगैरह मिलते हैं तो खरीदते हैं। वैसे कुछ ऐसे भयंकर पटाखे नहीं मिलते, वो छोटे छोटे बच्चों वाले मिलते हैं, लिटिल लिटिल पटाखे। उसके बाद यहाँ के बाद हम चलेंगे साड़ियों की दुकान पे, साड़ियाँ देखेंगे। एक्चुअली हमारा जो बेसिक काम है दीपावली के लिए शॉपिंग करना, कपड़े लेना, कुर्ते लेना, साड़ियाँ लेना, तो हम वो काम करेंगे। लेकिन उससे पहले मार्केट घूमेंगे, आज कुछ खा भी नहीं सकते क्योंकि आज मंगलवार है और मंगलवार का जो हमारा व्रत रहता है वो कंटिन्यू चल ही रहा है। और एक प्यारी सी महिला मिल जाती है लाल साड़ी में, हमें हमसे हाय करती है, हम भी इनको हाय करते हैं और आगे चल देते हैं। लेकिन ये औरत कुछ थोड़ी सी मुझे इग्नोर कर रही है, सामने ही देख रही है, तो हम भी उसको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते हैं और साज सज्जा का सामान देखते हुए चलते हैं। दीपावली की ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे फूल माला और ऊपर से मिल जाते हमें बैल देवता, वो जो सब सत्यानाश करते हुए जा रहे हैं। ये कांड कर दिया, मैटर हो गया भाई। और ये कुत्ता सोच रहा है अपनी बीबी के लिए बढ़िया सलवार सूट लेने का, लेकिन भाई इसकी फटे हालत की वजह से सूट नहीं ले पाएगा और उदास हो गया बेचारा। चलो तो हम चलते हैं आगे, देखते हैं कुछ मज़ेदार आएगा तो हम दिखाते हैं फिर चांदनी चौक बाजार में। आ गए हैं अगला स्टॉप पे साड़ी की दुकान। इतनी खूबसूरत सूरत प्यारी प्यारी साड़ियाँ, 1000 रुपये से शुरुआत है और ख़त्म भैया पूछो ही मत, बहुत पैसा लेते हैं, बहुत पैसा। क्योंकि कितनी प्यारी प्यारी साड़ियाँ हैं और पूरा भरा हुआ है एकदम कचड़ा की तरह भरा हुआ है यहाँ पे। हाँ चाचा देखो कितनी प्यारी प्यारी साड़ी, आसमानी कलर की साड़ी दिखा रहे हैं, देखो देखो ढेर से देखो। मेरे पास ब्राइडल है, अभी अभी कस्टमर गया, उसकी घर में शादी है, तो अभी दो बेटी के लिए दोनों को मिला के मैं कलेक्शन बनवा सकती हूँ। देखो एकदम लेटेस्ट पीछा से आप एक काम करिए, बड़ी बंदी लग रही है क्योंकि नहीं वो सी। ये साड़ी मैं दिखाता हूँ कितनी प्यारी है, चमकदार दमकदार सुंदर सी, इससे छांव भी कर सकते हो धूप में और एकदम मतलब मक्खन जैसी मुलायम मुलायम साड़ी है, हमको अच्छी लगी। डिज़ाइन इसकी बेहतरीन है भाई साहब, यहाँ से शुरू होती है ये साड़ी और पता नहीं कहाँ नालंदा में जाके ख़त्म होती है, लेकिन बढ़िया है, बेहतरीन साड़ी है। अच्छा मैं और अच्छी अच्छी साड़ी दिखाता हूँ, मुझे केवल तुम्हारे लिए आपके लिए और ओनली फॉर यू। ये लाल कलर की साड़ी अच्छी नहीं लगी, ये लो हरी हरी साड़ी ये भी अच्छी नहीं लगी, ये लो नीली पीली पता नहीं है अच्छी नहीं लगी, ये लो पिंक साड़ी ये भी अच्छी नहीं लगी। रुको एक और है, एक और बढ़िया से दिखाता हूँ, ये साड़ी काजब साड़ी मस्त एकदम चमचम हुआ, पहन लोगे दिन में हाइलोजन लगोगे, ठीक है। अच्छा और दिखाते हैं ये साड़ी, ये कलर मुझे नहीं पता लेकिन अच्छी है, हाँ बढ़िया साड़ी है कर सकते हो। और एक और ये भी एकदम चमचम हुआ साड़ी है लेकिन कलर वगैरह पता नहीं, लेकिन मस्त लगे एकदम टिप टाप, पहन लोगे लोग तुम्हारे पे देखेंगे। ये तो पहले ही दिखाए थे जो साड़ी, एकदम बढ़िया बेहतरीन सबसे अच्छी साड़ी है, ये केवल 3500 रुपये की है, इसलिए हम इसको देखेंगे, इसके साथ थोड़ा वीडियो शूटअप बनाएंगे फिर इसको आराम से हम रख देंगे, क्योंकि इतने में तो कोट पैंट आ जाता है, कहाँ कपड़ा वपड़ा लेके दर्जी से बात वत करके थोड़ा सा जुगाड़ हो जाता है, ठीक है। और इतनी सारी साड़ियाँ थी सब अलग अलग कलर की, लेकिन स्टाइल देखना चाहिए साड़ी का, ये तो है साड़ी पूरे में आएगा, यही बात है लाइट में का और पल्लू ये है और ये ब्लाउज डिजाइनर फैंसी साड़ी लगेगा, कुछ चीज हटके पहले
मैंने मीडियम शेड दिखाया, ना ज़्यादा डार्क ना ज़्यादा लाइट, ये भी हाई चॉइस की आइटम, इसी की आइटम है। और एक ही आना है इसमें, अब साड़ी देखने पर भाई अपने लिए भी कुछ देख लेते हैं, कुछ चलते हैं अपने लिए भी खरीदते हैं और लेते हैं भाई। हाँ चलते हैं चांदनी चौक के बाजार में, चांदनी चौक की गलियों से कुछ अपने लिए खरीदते हैं। अभी जैसे मैं खादी पहनने का भूत चढ़ाया तो हमने ऋषि खादी से भी दो नए नए कुर्ते और एक सदरिल लिए, क्योंकि खादी स्वदेशी पहनो और स्वदेशी बनो भैया। दिल्ली मेट्रो पे भी कुछ प्रेमियों की निशानी मिल जाती है, जिसको हम थोड़ा सा वीडियोग्राफी करते हैं फिर निकल लेते हैं अपने सफ़र पे। मेट्रो का इंतज़ार करते हैं, एकदम सुनसान सन्नाटा सा पड़ा हुआ है, फिर गीत गाते गाते मेट्रो आ गई, चलो सफ़र पे चलते हैं, हम सफ़र बन के चलते हैं। तो घुसते हैं, देखो कितना भीड़ है अंदर, एकदम चुटकी बजाते ही भीड़ आ गई। फिर मिलते हैं कभी और कहीं और, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम।